आज हम बनाना सीखेंगे तोरण दिवाली के लिए। ये तोरण आप अपने घर के डोर पर लगा सकते हैं, स्कूल के क्लासरूम के डोर के बाहर भी आप लगा सकते हैं। इसे बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बच्चे भी इसे आसानी से बना पाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू बिजी बी ज्ञान कोश। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है एक ब्राउन कलर की शीट और एक लंबी स्ट्रिप काटनी है। आपको डोर का नाप लेके आपको इसको कट करना है। अगर छोटी पड़े तो दो स्ट्रिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब ग्रीन कलर की शीट लेके आप इसके ऊपर लीफ ड्रॉ कीजिए और इसको कट करके निकाल लीजिए। ऐसे ही आपको येलो पे सेम पैटर्न निकालना है, लेकिन ग्रीन से थोड़ा छोटा होना चाहिए। इसको भी कट करके निकाल लीजिए। इस तरह से हम इसे पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट करने से पहले एक ट्रिक है, फोल्ड करिए हाफ में और ऊपर की तरफ से इस तरह से फैन फोल्डिंग जैसे हम करते हैं वैसे फोल्ड कीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर पैटर्न निकल के आएगा लीफ का। सेम येलो से भी हमें करना है, फोल्ड करके हाफ में फोल्ड करके ऊपर से हमें नीचे की तरफ, याद रखिए ऊपर से नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना है फैन फोल्डिंग। इसको हमें पेस्ट करना है ऐसे। अब हम एक रेड कलर की शीट पर फ्लावर ड्रॉ करेंगे। फ्लावर ड्रॉ करके इसको आप फोल्ड कीजिए। हमें दो फ्लावर चाहिए, मतलब हमें दो फ्लावर के कटआउट चाहिए इस तरह से। एक बेस होगा और एक उसके ऊपर लगेगा। पेटल्स को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे। अब ग्लिटर शीट लीजिए, इस पर आप सर्कल निकाल लीजिए, कोई भी लेड का कुछ भी ले सकते हैं आप, थोड़े छोटे साइज का, क्योंकि हमें फ्लावर के अंदर लगाना है। इसे कट करके निकाल लीजिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। पेस्ट कर लीजिए इनको। अब ब्राउन स्ट्रिप लेकर पहले हम लीफ लगाएंगे, फिर अपने फ्लावर्स लगाएंगे, एक लीफ एक फ्लावर, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।